अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सनी गिल मसी साहब अमेरिका से पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहर लाहौर में आ चुके हैं और वो मेरे साथ ही हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सनी गिल मसी एंड आई एम इन पाकिस्तान लाहौर। और ये बंदा आप जो देख रहे हो ये बिल्कुल वो नहीं है। पाजी के बारे में बात करें तो ही इज माई ब्रदर एंड बोहेमिया एक ही है और वो एक ही रहेगा। ही इज जेडी। बहुत सारी खबरें मार्केट में आ रही हैं कि जेडी जो है वो पाजी की मार्केट खराब कर रहा है या नाम बदनाम कर रहा है। पाजी को कभी भी इस चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी। मैंने कहा पाजी अपना बच्चा वो तो वो अगर उसकी रोटी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम है। पाजी के ये वर्ड थे कि अल्लाह उसको और कामयाब करे। तो ये जो मार्केट में फेक है, अब इसका कोई कसूर नहीं। अगर ये बोहेमिया लगता है या ये उसकी तरह गा लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारी सपोर्ट इसके साथ है, पाजी की सपोर्ट इसके साथ है, तो इसको फॉलो करें, इसको सपोर्ट करें। थैंक यू। और जरा सुना दे एक रैप अच्छा दिया। एवी दुश्मन गल्ला मार दे, पाकिस्तान नूनी जान दे, मेरी गल सुन तू कौन है? पाकिस्तान च सजे खबे डोन ने जो तू किता कश्मीर फलस्तीन बिच। अरे भैया ना कोई आई ना कोई दीन बिच, मैनू नजर आंदी तेरी मक्कारियां। बहुत अच्छा लगा, बड़ा इनका वेट था मुझे। और ये जो फेक न्यूज मेरे बारे में लोग इंस्टाग्राम पे और बड़ी जगह पे दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाजी का मैं रियल फैन हूँ, उनको सुनता हूँ और आगे बड़ा उनको फॉलो करके मैं अपना परफॉर्म करता हूँ। तो एक जो ड्रीम है, सनी भाई को भी बोला है कि भूमिया पाजी से मिलना है, अभी कॉल की थी लेकिन लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अगर पाजी ने आज फोन उठा लिया तेरी किस्मत, ना भी उठाया तो फिर किसी दिन से ही। लेट्स ट्राई इट। पाजी लिव इन कैलिफोर्निया, तो ऑलमोस्ट 6 आवर डिफरेंस है। तो अगर उठा लिया तो इसकी किस्मत नहीं, तो आई विल सेंड हिम दिस वीडियो। तो कीप डूइंग द गुड वर्क मैन। थैंक यू। सो वी आर विद यू। ठीक है पाजी, अगर कॉल आ गई तो देन आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, किस्मत मेरी। एनीवेज थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग हिम, क्योंकि ये डिजर्व करता है। अभी हम जा रहे हैं लंच करने, कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंशाल्लाह भूमिया पाजी मेरे साथ इधर खड़े होंगे और इसी तरह मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो गाइस गाड़ियां बिल्कुल रेडी हैं, कुछ ही देर में यहां से हम निकलने लगे हैं सनी भाई के साथ लंच करने। और आगे बहुत मज़े मज़े की बातें हैं, बहुत कुछ आपको भी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको बताए बगैर खिला देते तो फिर वो फिर तुसी जी तो उठे आना सी मैं थोड़े नाल। और देखें सर आप क्या कह रहे थे, प्लेटर तो हो गया। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई। हां कढ़ाई कर दो। हां वो कर, लेकिन मिर्च नहीं होनी चाहिए और ऑयल भी बिल्कुल। इसके साथ सादा रोटी है, नान है, रोली नान है। मुझे तो रोटी चाहिए, बाकी दोनों ले आओ। सनी भाई आप पाकिस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गल पहले तो क्योंकि हम कुछ रिलीजियस काम कर रहे थे तो वो तो एक वैसे ब्लेसिंग थी। फिर उसके बाद शोबिस का पहला बंदा जो है वो ये मिला। अच्छा, और इसने इतना वार्म वेलकम किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूयॉर्क या फिली में बैठा हूँ। सही है। तो थैंक यू ब्रदर, अभी ब्रदर मुझे यहाँ लेके आए हैं
और अपनी मर्जी से वो टका टक खिलाने लगे थे जिसको मैंने शुक्र है मैंने देख लिया उनको एक्सप्लेन करवा लिया आपने नहीं तो आपने खा लेना था नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सनी भाई उस तरफ बुहिमिया पाजी हां जी इस तरफ मैं इंशाल्लाह ये तो पाजी ने बल्कि नवीन के साथ लाइव बैंड का जो सिस्टम शुरू किया उसमें हम वेडिंग्स भी करेंगे अच्छा या इवन इन पाकिस्तान कोई चाहता कि पाजी वेडिंग्स में भी परफॉर्म करें और रही बात लोग जो बातें करते हैं जेडी के लिए पाजी को इसकी फिगर भी नहीं है वो इसको ब्लेसिंग देते हैं भाई ये और काम करे हाँ हाँ ये बड़े लोगों की बात होती है बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है भाई जान उसके पास इतना टाइम ही नहीं है सही बात कि वो इस चीज पे फिक्र करे कि जेडी रैप और जेडी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो आपने पाजी के लिए प्यार शो किया ना लाइक लोग उसको घुमा फिरा के पाजी को पता नहीं क्या क्या स्टोरियां सुना रहे हैं बट ही इज नॉट वरीड क्योंकि बोहेमिया इज ओनली वन ना तो माँ किसी ने पैदा करना ना हो सकता ये मैं मुंह पे कैसे तो लाहौर कैसे लगा वो आपने एक कहावत सुनी है जिन्हें लाहौर नहीं रखा जमिया ही नहीं सर तो वो ये क्या ठीक है ये कहावत जी हमने मैंने और मिल्खा सिंह ने तो आईफा के स्टेज पे भी ये कहा था कि लाहौर लाहौर है नमस्कार वेलकम हाय दोस्तों जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमिया नहीं मैं अपने रोज भी सनी गिल नाल पार्टी कर रहे हैं एंजॉय कर ठीक हो गया जी थैंक यू सनी भाई आप हमारे साथ हैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अभी सनी भाई हमारे साथ ही हैं तो जैसे जैसे हमें कोई मौका मिला हम ज़ाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह तो दुआ में याद रखिएगा अस्सलाम वालेकुम अगर हिप हॉप में है तो फिर ये चीज़ें आपके पास ना हो तो मज़ा नहीं आएगा इसको पहनने का गाइस ये सनी भाई ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया जो कि अब सदा मेरे साथ रहेगा ये हाँ जी अब आप हर वीडियोस में ये देखेंगे और ये सनी भाई ने ये उतारो इसको ज़रा उतारो अच्छा अभी और कुछ भी है हाँ जी हाँ जी उतारो इसको ये पहनो अगर स्टार बनना ना तो फिर क्या बात है जी क्या बात है आज मैं स्टार बन गया हाँ जी आज से आपका हाँ जी तो मैं स्टार पूरा बन गया आज से आपका अब तुझे इस वजन से पता चलेगा तेरा वजन क्या है क्या बात है सनी भाई का प्यार मेरे गले में भी है मेरे हाथ में भी है ठीक हो हम वैसे भी मेहमान नवाज लोग हैं हमें अच्छा लगता है कोई मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करें उनका बड़ा पान है उन्होंने हमें टाइम दिया लेट्स सी आगे नई वीडियोस के साथ नए व्यूज़ के साथ मिलते हैं आगे